दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल। एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष बकरी पालन पर आधारित एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आज की जो वीडियो है खास करके वैसे युवाओं के लिए है, वैसे किसान बंधुओं के लिए है जो बकरी पालन तो कर रहे हैं लेकिन सर दर्द बना है उनके लिए फीड कॉस्ट। तो अगर फीड कॉस्ट कम करना है दोस्त, बकरी पालन में ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिए। और मैं यहाँ पहुँचा हूँ, एक खेत है, उमेश सर का खेत है और यहाँ पर कंप्लीट जुगाड़ किए हुए हैं क्योंकि इनके पास 150 बकरी है और 150 बकरी को स्टॉल फीड पर अगर कोई व्यक्ति रखेंगे तो जाहिर सी बात है इतना कॉस्ट आएगा, इतना खर्चा उनको आएगा कि फिर हालत उनका ख़राब हो जाएगा। तो इनके पास 150 बकरी है, बहुत दिन से ये रखे हुए हैं तो कहीं ना कहीं से वो फीड कॉस्ट को काफ़ी कंट्रोल करके रखे हैं। और कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया उपाय जो है दोस्तों हरा चारा है और यहाँ पर दो किस्म के हरा चारा लगे हुए हैं। सुपर नेपियर है तो एक तरफ, बिल्कुल नई घास है, दशरथ घास है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इसका है, खास करके बच्चों के लिए काफ़ी बेहतरीन माना जाता है ये घास। तो सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है कि किस तरह से इसकी बुआई होती है, कब बुआई होती है और कितने दिन में तैयार होता है और कैसे फीड कॉस्ट को इससे अपने मुट्ठी में लिया जा सकता है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका भी स्वागत है नीरज जी, हमारे खेत में और हमारे बाड़े में आप आए हैं और आपको मैं अपना खेत विजिट कराने के लिए लाया हूं। तो आपका स्वागत है और आप किसानों के लिए मेरे से जानकारी जुटाने के लिए यहाँ तक आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर यहाँ पर दो तरह के घास लगे हुए हैं, एक तो सुपर नेपियर है, वो भी बिल्कुल ही अभी शायद कटाई नहीं हुई है इसकी, और ये जो दशरथ घास है आपने बताया कि मात्र 20 दिन का ये घास है और बिल्कुल ही कोपल ही है। तो नेपियर को बाद में रखते हैं, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन सबसे पहले दशरथ घास बिल्कुल नया है हमारे किसान बंधुओं के लिए, भी बिहार के लिए भी काफ़ी नया, बिल्कुल नया घास है। तो इसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए कि कब इसकी बुआई होती है, किस तरह से बुआई होती है, कहाँ से इसकी बीज आती है और कितने दिन में ये कटाई होती है और कितने दिन तक ये चलता है। ठीक, मैं विस्तार से आप लोग को बताऊंगा और मैं दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि नीरज जी बोले कि 150 बकरियाँ मेरे पास है और सब स्टॉल फीड पे है। तो मेरे पास 150 बकरियाँ हैं लेकिन सभी चराई पे, लेकिन बकरियाँ चराई पे नहीं जाती, उसके लिए मैं चराई पे जाता हूँ। यानी कि ये जो घास मैं लगाया हूँ बकरियों के लिए, मैं खुद खेत में जाता हूँ, घास काट के लाता हूँ और बकरियों को देता हूँ। तो चूँकि बकरी हरे घास के लिए ही बनी है, क्योंकि अगर हरा घास आप परमानेंटली बकरियों को खिलाते हैं तो एक तो फीड कॉस्ट आपका कम आएगा, पहली बात फीड कॉस्ट कम आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा पंगा अगर कहा जाए बकरी पालन में तो फीड कॉस्ट का ही है। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत लॉन्ग समय तक आपको टिकने होते हैं। मुर्गी वगैरह में क्या होता है कि एक महीना में चूजा से मुर्गी तैयार हो गई, उसको आप सेल आउट कर लीजिए, या अगर एक के लिए रखे हैं तो फिर कुछ दिनों बाद 3 महीने 4 महीने बाद अंडे देने लगती है, तो फिर आगे आप बढ़ जाते हैं, आपका काम होने लगता है। लेकिन अगर बकरी पालन आप करते हैं तो बकरियों को आपको लंबा समय तक सर्वाइव करने के लिए उसको खिलाना पड़ता है, बकरी रेगुलर खाती है। तो अगर चारा आप बाजारी चारा है जहाँ से बिल्कुल आप खरीद के खिलाते हैं बकरियों को, कहने का मेरा मतलब, तो आपको महंगा पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर एक किसान जो गांव में किसान जीता है, मैं मानता हूँ किसान के पास जमा पूंजी उतना नहीं होता, उतना पैसे नहीं होता, लेकिन उनके पास खेत है और वो खेत में वो फसल उगाते हैं, अन्न के दाने उगाते हैं, तो उन्हें खाने के लिए कभी दिक्कत नहीं होता। लेकिन एक बाज़ार का इंसान जो आज नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, 50,000 का महीना भी उनको मिल रहा है ना, फिर भी वो बोलते हैं कि पूरा नहीं पड़ता, एक तारीख आते आते मेरा पेमेंट खत्म हो जाता है। लेकिन एक किसान जिसे कोई पेमेंट नहीं मिलता और वो खुशहाल रहता है अपने गाँव में, तो बस इसलिए कि वो अपना खेत में अन्न उपजाता है, कम से कम पेट भरने के लिए उसके पास वो चीज़ें होता है। तो बस बकरी पालन में ही अगर फार्मूला अगर आपने अपना लिया तो बकरी पालन में आप कहीं से फेल नहीं हो सकते हैं। मैंने वही फार्मूले पर मैं शुरू से काम करते रहा हूं। और ये जो नेपियर है इसके बारे में मैं बता दूं कि अपने चैनल पर भी मैं इसका लगातार वीडियो डाल रहा हूं। जब जिस समय से मैंने नेपियर बोया था उस समय से लगातार वीडियो मैं डाला हूं इसका, और 2 दिन पहले भी मैंने वीडियो डाला है, ये 31 दिन का जब मेरा नेपियर हो गया था तो मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर डाला है, और आज वीडियो मैंने 2 दिन पहले डाला है, 33 दिन आज नेपियर बोए हुए हो गया, 33 दिन पर ये वीडियो नीरज जी बना रहे हैं। और ये अलग बात है कि अपलोड ये कब करेंगे इनका मर्जी है, कारण है कि बहुत सारे वीडियो इनके पास होते हैं तो कब अपलोड करेंगे ये तो अलग बात है, इसलिए 33 दिन का आज के डेट में है। अगर ये 10 दिन बाद अगर वीडियो अपलोड करें तो वो अलग मैटर है, कोई वजह से लेट भी हो जाता है वीडियो डालने में, तो ये 33 दिन का है। और जो बढ़वार नेपियर का है अभी 2 फीट से कुछ ऊपर इसका हो चुका है, जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ ये आया, सच्चाई दिखाने के लिए ये सबूत आपके लिए है कि 2.5 फीट मैं बोल रहा हूँ लेकिन 2.5 फीट से ऊपर है, क्योंकि मेरा लंबाई लगभग 6 फीट के बराबर है, तो ये देखिए मेरे से आधा से तो ऊपर है, तो इसको मैं 3.5 फीट ही बोल रहा हूँ जो मान के चलिए। तो ये 33 दिन में इतना इसका ग्रोथ हुआ है, तो ये खेत के पर डिपेंड भी करता है कि खेत आपका कितना उपजाऊ है,
तो चूंकि खेत में मैंने लगातार जब खेत में तैयार करता हूं तो बकरी का जितना मैगनी होता है खेत में डालता हूं, उसके बाद उसका जुताई करवाता हूं। खेत को मैंने घास मुक्त रखा है और छोटे छोटे घास बरसात के कारण आ रहे हैं। एक बार कोड़ाई करा दिया गया है, घास निकाल दिया गया है, फिर भी छोटे छोटे घास जो आप देख पा रहे हैं ये सब आ रहे हैं। तो जैसे ही नेपियर बड़ा होगा, जैसे ही नेपियर बड़ा होगा तो सूर्य की रोशनी नीचे तक उतना नहीं पहुँच पाएगा तो ये घास ख़त्म हो जाएंगे। तो खेत अगर साफ रखते हैं, बकरी का मैगनी डाले हुए हैं तो ग्रोथ होता है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल हरा है, बिल्कुल ये घास जो है बिल्कुल हरा है। तो इसमें मैंने कोई रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया है। तो अगर बकरी नेपियर अगर आप बोते हैं तो इसे बहुवर्षीय चारा के रूप में आप खिला सकते हैं। एक बार बोने के बाद कम से कम 5, 7 या फिर 9 साल तक भी इसका कटिंग आप करते जाएंगे, ये कल्ले दे देकर फिर से तैयार होते रहेंगे। तो अगर नेपियर आप बोते हैं तो पहला कटिंग 75 से 90 दिन में आने का होता है कि 75 से 90 दिन में पहला कटिंग आएगा। लेकिन अगर खेत आपका बहुत मजबूत है और आपने मेहनत किया है तो वो जो इसका ड्यूरेशन है 75 से 90 दिन, उससे पहले भी आप कटिंग कर सकते हैं। जैसे 33 दिन में ग्रोथ आप देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि मैं 60 दिन में इसका कटिंग तो कर लूँगा, यानी 25 दिन और होते होते बिल्कुल कटिंग के लायक हो जाएगा, फिर बकरियों को मैं खिलाता रहूँगा। तो बहुत लंबे चौड़े एरिया में यहाँ से सामने उधर देख रहे हैं, उधर सराउंड करके उधर भी बोया हुआ है और इससे पहले भी कम से कम 1 एकड़ में मेरा नेपियर और भी बोया हुआ है। तो इस तरीका से मैं लगातार घास बकरियों को खिलाता हूँ जिससे मेरा फीड कॉस्ट कम आता है। तो अगर आप इस तरीका से बकरी पालन में टिकना चाहते हैं तो इन बातों पर ध्यान रखें कि अगर आप हरे चारे उगाते हैं, एक ऐसा चारा जो कि ख़त्म ना होता हो, आप काटते जाएं फिर से निकलते जाए, अगर उस चारे पे वर्क करते हैं तो आपका बढ़िया होगा। दशरथ घास के बारे में नीरज जी बता रहे थे, इसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा बता दूँ फिर मैं आगे बढ़ूँगा। ये जो घास है एक बार इसे भी एक बार बोने के बाद, एक बोने के बाद 5 से 7 साल इसका भी कटिंग आप कर सकते हैं। एक जब 4 फीट का हो जाएगा तो इसका मैं कटिंग करते चला जाऊंगा। हालांकि इसको मैंने घना लगाया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा करके 3-4 फीट हो जाएगा तो काट के मेमनों को खिलाना है। क्योंकि ये मुलायम पत्तियां हैं तो बकरियां तो चाव से खाएगी ही, लेकिन मेमने विशेष चाव से खाएंगे, तो मेमने के लिए स्पेशल मैंने लगाया है और अच्छा रहेगा तो कुछ और खेतों में बढ़ा के इसको मैं लगाऊंगा। इसे आप नेट द्वारा सर्च करके, जैसे आजकल के नौजवान फ्लिपकार्ट द्वारा, अमेजन से, बहुत तरीके होते हैं मंगाने का बीज, वहाँ से भी सुपर नेपियर दशरथ घास करके सर्च करेंगे तो आपका दशरथ ग्रास ही आ जाएगा और उसके अनुसार आप मंगा सकते हैं। मैं 500 ग्राम इसको मंगाया था, 500 ग्राम मंगाया था तो 500 रुपया मुझे खर्च हुए थे। अब कंपनी के अलग अलग रेट हो सकता है लेकिन लगभग यही रेट होगा 500 का 500 ग्राम। और अगर लगाया कितना जाता है तो उसका फार्मूला ए है कि प्रति कट्ठा, कट्ठा अगर बोला जाए, मैं पटना में जहाँ हूँ तो 1361 स्क्वायर फीट का यह कट्ठा है, तो एक कट्ठा में 200 ग्राम बीज आपको दिल लगाने हैं, 200 ग्राम बीज लगाना है। अगर दशरथ घास का बीज आप लगाते हैं तो इसका थोड़ा सा फार्मूला हटके है कि अगर आप बीज लाए हैं तो पहले इसको गुनगुने पानी में डालें, गुनगुने पानी में, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना पानी होना चाहिए, इसमें डाल के आप छोड़ दें 12 घंटे, इसके बाद इसको निकाल लें। निकालने के बाद किसी सूती कपड़े में बांध के थोड़ा नमी वाला जगह पर रख दें, इसमें अंकुरन आ जाएगा। या अंकुरन ना भी आए तो सूती वाला कपड़ा में बांध के, सूती कपड़ा में बांध के और गीला कपड़ा में बांध कर इसको रख दें और 10 घंटा 8 घंटा रखने के बाद, और सूखना नहीं चाहिए, फिर गीला जगह पे रखना है। इसके बाद खेत को आप जुताई करके पहले से ही तैयार रखें, उसमें बो दें, बस ये हो जाएगा। जिस तरीका से आप साग बोते हैं, जिस तरीका से आप सुडान यानी कि चरी, जिनोरा, नरकटिया इसे बोला जाता है वो बोते हैं, उसी तरीका से इसको लगा सकते हैं। और एक ऐसा घास का विकल्प आप ढूंढें जिसे बार बार आपको लगाना ना पड़े, एक बार लगा लिए तो 5-7 साल वो चलता रहे, ऐसा घास का विकल्प तलाशिए। इसी में आप नेपियर देख रहे हैं, इसी में आप दशरथ देख रहे हैं। और देखिए मैं नेपियर के बारे में बता रहा हूँ, इसको मैं लगाया था, देखिए गुल्ला जो मैं लगाया था एक ही गुल्ला लगाया था, अगर आपको कैमरा में दिख पाया होगा तो आप देख रहे होंगे कि गुल्ला मैंने नीचे लगाया है लेकिन कल्ले कितना निकले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 अभी दिखाई दे रहे हैं जबकि 33 दिन का हुआ है। इस तरीका से सभी में कल्ले निकले हुए हैं। तो जैसे ही इसका कटिंग होगा या और कल्ले निकल जाएंगे, एक एक थल्ले में 50-50 कल्ले निकलते हैं। इसका लगाने का फार्मूला ये है कि जब आप शुरू में गुल्ला लगाते हैं तो लाइन बाई लाइन, देखिए यहाँ समझना है ताकि आपसे बढ़िया से आप कर पाएँ, ये लाइन है और एक यहाँ है, तो इससे इसका दूरी 2 फीट है, इससे इसका दूरी लाइन बाई लाइन का दूरी 2 फीट और पौधे से पौधे का दूरी मैंने 1.5 फीट रखा है। तो 2x2 भी आप रख सकते हैं लेकिन 2x1.5 मैंने रखा है। ज़्यादा घना लगा देंगे तो फिर ये पतला हो जाएगा, ज़्यादा कल्ले नहीं दे पाएगा। और अगर आप घना कम लगाते हैं, दूरी पे लगाते हैं तो एक
खींचे इसके तने खींचे होंगे और ज़्यादा कल्ले दे पाएगा, जिससे आप बकरियों को खिलाएंगे तो मज़े से खाएगी। ये बहुवर्षीय चारा है, इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब मिल जाता है, इसके अलावा बहुत सारे और भी तत्व मिल जाते हैं। हरा है तो बिल्कुल विटामिन भी अवेलेबल इसमें है, तो इसे खिलाकर आप बकरियों को कम कॉस्ट में पालन कर सकते हैं। यदि नेपियर खिलाते हैं, दशरथ घास खिलाते हैं, अगर ये सभी घासों को आप खिलाते हैं तो आपको दाना मिश्रण का खर्च कम पड़ जाएगा। सबसे बड़ा खिलाने का ही पंगा है, बकरी पालन में लोग आते हैं और चले जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण दोस्त ये है कि खिलाने का खर्च। अगर खिलाने का खर्च ना के बराबर हो, कम हो, तो फिर किसान क्यों जाएंगे, क्यों इस फील्ड से आउट होंगे, क्योंकि मटन का रेट तो कभी कम आज तक हुआ नहीं, तो फील्ड से हटने का उन्हें कोई जगह ही नहीं है यदि खिलाने का कॉस्ट उनका कम हो गया तो। इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है और घास उगाएँ, मज़े से उसको खिलाएं। और एक ऐसा घास जिसे मैं बोला कि जो सब दिन चले, जो रुके नहीं। अनाज महंगा है, दाना महंगा है, अगर आप खिलाते हैं और बाद में आप कहते हैं कि इतना एक दिन का खर्च आता है, और एक ईमा आप अगर आप खींचते हैं कि एक दिन का इतना तो होगा ही होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। जिसके पास जो संसाधन है उसके अनुसार वो अपने खर्च को कंट्रोल कर सकता है। अब अगर आपका ये सवाल होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस एरिया में लगा हुआ है। अगर आपका सवाल ये है दोस्त कि मान लिया कि इतना में आपने नेपियर लगाया, अगर इसी खेत में अगर आप कोई दूसरा लगाते, दूसरा फसल लगाते, मक्का लगाते, धान लगाते, गेहूं लगाते, यानी कोई वेजिटेबल लगाते, तो आप उसमें कमा लेते, तो घास लगाए तो खेत तो फंस गया। तो मैं आपको बता दूं कि इतना जो मैंने नेपियर लगाया है, अगर इतना मैं दुनिया का कोई भी फसल लगाता तो उतना नहीं आ पाता जितना मैं बकरियों का खर्च बचा लूँगा, बकरियों को खिलाकर खर्च बचा लूँगा। तो खेत अगर फंसा है तो कई गुना ज़्यादा जो फसल दूसरा उगता उससे कहीं बहुत गुना ज़्यादा इसे बेनिफिट होगा ये घास खिलाकर बकरियों को। तो ये देखिए इधर अभी जो बचा हुआ है, फिर इसमें घास आ गए हैं, जो घास मुझे निकलवाने हैं। उधर मैंने दिखाया आपको जिसमें घास नहीं था, इसमें अभी घास है। तो ये घास को जैसे ही बारिश हो रहा है, आज तो धूप निकला हुआ है, आज देखें जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी धूप है, लेकिन सवेरे भी बारिश हुआ है हल्का फल्का। तो बारिश का धूप का आँख मिचौली चल ही रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा अब आज धूप हुआ, ऐसे एक दो दिन और भी धूप हो जाएगा तो मैं इसको कोड़ाई करवा दूंगा, क्योंकि अगर टाइम मिला तो खुद अपने भी करूंगा, नहीं तो कोई मज़दूर ढूंढूंगा। हालांकि दोस्त अभी आज के समय में मज़दूर मिलना मुश्किल हो जाते हैं, मज़दूर मिलते नहीं हैं, हर कोई व्यस्त है। तो जितना हो सकता है मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो इस तरीक़ा से जैसे कि मैं घूम के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देख पाएँ कि इतना लंबा चौड़ा एरिया में मैंने लगा के रखा है, ताकि स्पष्ट इरादा है कि बकरी पालन में तो टिकना है और करना है। तो बस यही है। आप एक चीज़ मैं और जो वीडियो में है मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए अपना मोरिंगा का पेड़ है जिसे सहजन बोलते हैं, आइए दिखाता हूँ, जिसको डर्मस्टिक अंग्रेजी में बोला जाता है, डर्मस्टिक बोला जाता है, मोरिंगा बोला जाता है। ये जो पेड़ है इस हर गांव में है और लगभग लोग जानते होंगे, अनजान इसके लिए इससे नहीं होंगे लोग। ये मोरिंगा है जिसे सहजन डर्मस्टिक ये बोला जाता है, जैसा कि मैं रिपीट करके एक दो बार बोला ताकि आप बढ़िया से समझ जाएँ। इसे अगर आप खिलाते हैं तो बकरियों को चेचक नामक बीमारी यानी गॉट पॉक्स नहीं होंगे, जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिससे बकरियों को बहुत ज़्यादा बुखार होता है और बकरी मरती भी है। ये एक वायरल रोग है, एक बकरी को हो गया तो हवा में फैलने वाला है, पूरा सभी बकरियों को हो जाएगा। तो अगर ये मोरिंगा का पत्ता अगर महीने में साल में अगर मोरिंगा का पत्ता साल में अगर 15 दिन भी आप लगातार खिला देते हैं तो उसे ये गॉट पॉक्स नामक बीमारी नहीं होगा, यानी चेचक रोग नहीं होगा। और अगर प्रतिदिन आप खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, तो प्रतिदिन खिलाएं तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन कम से कम अगर माना जाए तो साल में आपको 15 दिन तो ज़रूर खिलाना चाहिए, रेगुलर में 15 दिन। अब 15 दिन अगर आप खिलाते हैं तो अगर आपका ये सवाल है कि 15 दिन क्या भरपेट खिलाएं, तो अगर अवेलेबल है तो भरपेट 15 दिन खिलाएं, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा मान के चलिए इतना भी बकरी अगर एक बकरी खा ले 15 दिन लगातार तो एक वर्ष के लिए वो बिल्कुल चेचक मुक्त हो जाएगी, यानी पेट में उसका जाना चाहिए थोड़ा सा भी लगातार। तो इस तरीक़ा से चेचक से बचाव के लिए जो पेड़ देख रहे हैं, ये अब देख पा रहे हैं मोरिंगा का पेड़, तो ये हर गांव में बिल्कुल पाया जाता है। अब इधर आइए, इधर भी अपना ही खेत है ये, इधर मैंने नेपियर को कटिंग हो गया है, ये कटिंग करके कल ही इसको समाप्त किया है गया है, और पीछे से देखिए कल्ले इसके निकल रहे हैं। आप आगे देखें जो लगा हुआ है, ये पुराना खेत है, इसमें कम से कम 2 साल पहले से नेपियर का कटिंग हो रहा है। तो इधर बारिश लगातार हुआ है, तो बिल्कुल देखिए थोड़ा सा पानी जमा था फिर सूख गया है। और देखिए इसमें बकरी का मैगनी को पूरा रूप से दे दिया गया है, ताकि ये खाद का काम करता है, क्योंकि रासायनिक खाद का तो इस्तेमाल मैं कभी करता ही नहीं, बकरी का मैगनी ही देता हूँ। और देखिए यहाँ आप देख पाएंगे कि देखिए छोटे छोटे इसमें से कल्ले देखिए कितना, एक ही यहाँ भी एक ही लगा हुआ था, अब ये छोटे छोटे कल्ले बिल्कुल निकल रहे हैं। खेत भले आपको जला जला सा नज़र आ रहा होगा क्योंकि कटिंग हुआ है, उसके बाद मैंने इसमें बकरी का मैगनी डाला है, तो
तो थोड़ा सा काला काला सा लग रहा होगा, लेकिन सभी जिंदा हैं और सभी में से कल्ले निकल रहे हैं। जैसा देखिए इधर से कटिंग हुआ है, तो जैसे जैसे कटिंग हुआ है उस तरीका से ये बढ़ते पीछे से कल्ले निकलते आ रहे हैं। तो ये छोटा सा प्लॉट आप देखें, और इससे बड़े बड़े खेत में मेरे और भी लगे हुए हैं, यानी कहने के मतलब एक एकड़ से ज़्यादा में ही मेरा पहले से लगे हुए हैं, और ये मैंने नया लगाया है कम से कम ये 10 कट्ठा में, ये 10 कट्ठा में लगाया गया है। कट्ठा बोला जाए तो 1361 स्क्वायर फीट का मैं 1 कट्ठा बोल रहा हूँ, उसके अनुसार उसका 10 गुना ये लगा हुआ है, और 30 गुना लगा हुआ है अलग कहीं खेत में, 30 गुना में ही एक हिस्सा ये भी है जो मैंने आपको दिखाया। तो इस तरीका से हरा चारा उगा के बकरियों को कम खर्च में पालन करें, और महंगाई जो भी आपका एक कमर तोड़ दे रहा है कि एक दिन का 30 रुपया 35 रुपया 40 रुपया खर्च, उसको मुँह तोड़ जवाब आप दे सकते हैं। जब हम खिला लेंगे, ये हरा चारा अवेलेबल है, तो हम क्यों खर्च के लिए रोते रहेंगे। जब बकरी पालन करने जा रहे हैं, जब हम किसान हैं, तो कुछ खेत फंसा के रखने होंगे, ठीक है कम खेत है तो कम में ही बोएंगे, जितना ये घास लगाएंगे उतना तो खर्च हमारा बकरियों का बचेगा बाकी चीज़ खिलाने का। तो अगर संसाधन हो तो ही बकरी का पालन करें, यदि संसाधन आपके पास ना हो यानी कि हरा चारा का उपलब्धता ना हो तो बकरी पालन ना करें, या अगर करें तो ये मान के चलें कि आपके पास बहुत महंगा पड़ेगा, आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। और यदि आपके एरिया में दलहनी चारे अवेलेबल हैं तो आप फिर किसी तरीका से कर लेंगे, लेकिन महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर नेपियर बोते हैं तो दलहनी चारा ना भी है, दलहनी चारा आपके पास ना भी है, गेहूं का है, भूसा है, या फिर नेवारी का बिचाली है यानी पैरा कुट्टी है, तो भी नेपियर को खिलाकर आप बकरी पालन कर सकते हैं। तो नेपियर के बारे में डीपली बताने का और खेत घुमाने का यही मेरा मकसद रहा आपका, आपसे मेरा मकसद यही है कि जो भी किसान वीडियो को देख पा रहे हैं तो कम से कम इस तरीका से अपना खेत है तो ठीक है, नहीं तो किसी से किराए पर भी खेत लेके नेपियर घास बोएं, ताकि वो अपना अच्छा से बकरी पालन कर सके और महंगाई से लड़ सके। क्योंकि मैं भी 150 बकरी का वर्तमान समय में 150 बकरियां मेरे पास है, तो अगर मैं ये ना करूँ और बाकी लोग की तरह ये कहूँ कि नहीं भाई 35 से कम में खर्च में बकरी तो पालन हो ही नहीं सकती, 20 से कम में तो हो ही नहीं सकती, तो अब 150 गुने 35 या 150 गुने 20 भी कर लें तो उतना पैसा कोई कहाँ से लाएगा। सोचने वाली है 1, 2, 5, 10 बकरी पोसना, 150-200 बकरियों पर काम करना बहुत बड़ी बात हो जाता है। इसलिए एक बिल्कुल फीड कॉस्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको लगे ही नहीं कि मेरे जेब से उतना लग रहा है, तभी आप बकरी पालन में सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि बहुत लंबा समय तक आपको लड़ना होगा, और बहुत समय तक लंबा तक लड़ने के बाद ही आप इसमें सफल हो पाएंगे। और जब चैन सिस्टम चल पड़ेगा बकरियों का आपका, कि जो बकरी है वो बच्चा दी, फिर उसकी बच्चा देना शुरू कर दी, तो इस तरीका से फिर आपका जब चैन सिस्टम चल पड़ेगा तो आप कमाना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि इसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक भी उसी तरीका से जिस तरीका से आप आम का पेड़ लगाए हैं, तो आम फलेगा तो ही आप खा पाएंगे या उससे कमा पाएंगे। जब तक पेड़ बिल्कुल पूरी तरह से तैयार नहीं है और बीच में हिम्मत आप हार गए और पेड़ को काट दिए, तो फिर तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बकरी पालन भी वही है, पेशेंस का भी। देखिए फिर से बादल लग गया, जैसा कि आप देख रहे हैं चल रहा है धूप, बादल हो रहा है। तो बकरी पालन पेशेंस का काम है, अगर आप लंबा समय तक टिकना है तो खिलाने का जो खर्च है उस पर आपको सोचना ही होगा, और ये बहुत गंभीर विषय है। तो ठीक है दोस्तों, नीरज जी का सवाल का मेरा इतना लंबा जवाब था कि मैं बढ़िया से आपको समझा पाऊँ, धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुना बेहतर तरीके से, उमेश सर ने बताया आपको कि कैसे अपने फीड कॉस्ट को कम कर सकते हैं, और बकरी पालन अगर कर रहे हैं तो कैसे उसमें ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास दोस्त ज़मीन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कहीं से लीज पर ले करके भी, चूँकि बहुत सा कुछ ऐसी चीज़ें होती है दोस्त जिसका कोई विकल्प नहीं होता है, और हरे चारे का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपके पास है तो कीजिए, नहीं है तो फिर मत कीजिए, मत कूदिए आप बकरी पालन में, नहीं तो आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों इस तरह की और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो बने रहिएगा ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।